How to download Prince of Persia Forgotten of Sand highly compressed file. सबसे पहले आपको ये करना होगा, अपना ब्राउजर खोलना होगा और उसमें जो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है उसको आप ओपन कर लीजिएगा। कुछ इस तरीके का पेज आएगा आपके सामने और यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करना पड़ेगा। ये फाइल कुछ 500 MB की है, जब आप इसको कंप्रेस्ट करेंगे तो ये 600 की हो जाएगी। तो डायरेक्ट डाउनलोड पर क्लिक करना है, तो ये देखिए आ गई डायरेक्ट डाउनलोड के लिए, इसको आपको कर लेना है। ये मैं कर चुका हूँ फाइल डाउनलोड। और प्ले स्टोर से आपको जेड आर्चीवर और PSP डाउनलोड कर लेना है, यहाँ दोनों फ्री एप्लीकेशन है। वहाँ पे जेड आर्चीवर खोलना है आपको अपना, जहाँ पे फाइल आई है इसको वहाँ पे खोल लेनी है आपको। तो ये रही, इस पर क्लिक करेंगे एक्सट्रैक्ट, डिवाइस मेमोरी में जाएंगे और PSP फोल्डर, और यहाँ पे आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर देनी है। ये देखिए एक्सट्रैक्ट हो रही है, इसमें थोड़ा समय लगेगा इसलिए मैं वीडियो स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल एक्सट्रैक्ट होने वाली है कुछ ही देर में, 95 हो गई, 96, 97, 98, और ये देखिए एक्सट्रैक्ट हो गई है। तो इस यहाँ पे कुछ ISO आ जाएगी, प्रिंस ऑफ पर्सिया फॉरगॉटन ऑफ सेंट यूरोपियन ISO 700 की कंप्रेस्ड हो गई ये फाइल। आपको सिंपली अपना PSP खोलना है, इस तरीके से PSP आपको ओपन हो जाएगा। PSP फोल्डर में प्रिंस ऑफ पर्सिया के ऑप्शन देख सकते हैं, ये आ गया ऑप्शन, इसको प्ले कर लीजिए। ये देख सकते हैं हमारा गेम ओपन हो गया है। ये तो स्टार कर रहे हैं, ये कैसे ये देखिए स्टार्ट हो गया है। ये देखिए गेम हमारा शुरू हो गया है। अगर आपको ये वीडियो स्किप करना है तो ये प्ले का बटन जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर लीजिएगा, स्टार्ट न्यू गेम, ओके स्टार्ट, स्टार्ट पे क्लिक कर दिया है, एंटर, यस, बैक एंड प्ले। ये जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं अगर आपको इसको स्किप करना है तो ये पॉज वाला जो ऑप्शन है इस पर टैप कर रही है, ये थोड़ी तेजी से चलने लगेगा। ये देखिए इस तरीके से अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ बहुत स्लो स्लो चलेगा सर, अगर मैं इसको फिर चलवा देता हूँ फिर से सब फास्ट हो जाता है। ये देखिए गेम शुरू हो गया है, एक्स वाया, ये देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपके सब गेम। अगर ये आपके में अटक रहा है तो सेटिंग्स पे जाइए,
बफर रीडिंग बैक कंटिन्यू पीछे जाना है आपको इस पे, इसकी बफरिंग पे, और फ्रेम स्किपिंग आपको लगा देनी 4। बैक जाके कंटिन्यू सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं गेमिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, और इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें और लाइक भी करें। आज वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। Thanks for watching.